कक्षा 12वीं की स्टूडेंट पहले आपका यहाँ पर हिंदी का सप्लीमेंट्री परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं, तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर एंटर देखने साथ ही या आपका महत्वपूर्ण पेपर है तो इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लेना, ठीक है। और साथ ही आपको अपनी तरफ से यहाँ पर लगातार तैयारी करते रहना, जिससे आप यहाँ पर हिंदी विषय पेपर अच्छे अंक ला सकते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, हायर सेकेंडरी पूरक परीक्षा जून 2024, ठीक है, आपका हिंदी विषय का पेपर है, जिसमें आपके यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 23 रहेंगे और मार्क्स आपका 80 नंबर का रहेगा और समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा, ठीक है। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं। अब चलिए आपके पहले तो यहाँ पर आते हैं सही विकल्प का चयन करके लिखिए, 6 नंबर के आएंगे। तो पहला आता है पतंग कविता की रचनाकार है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला वो रहेगा आपका आलोक धनवा, ठीक है। जो आपका पतंग कविता की रचनाकार है वो है आलोक धनवा। फिर आपका दूसरा रहेगा जुगोपसा किस रस का स्थायी भाव है, तो यहाँ पर जुगोपसा ठीक है बस ठीक है विवस्त रस का स्थायी भाव है, तो विवस्त रस हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है बाजार दशम पाठ की विधा है, तो यहाँ बाजार दशम पाठ की जो विधा है वो रहेगी आपकी निबंध, निबंध आपका करेक्ट आंसर है तीसरे का। फिर चौथा आता वह अच्छा खेला परंतु हार गया ये वाक्य है, तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर वाक्य दिया गया वह अच्छा खेला परंतु हार गया, इसमें आपका रहेगा संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका पांचवा आता मराठी भाषा में लिखी गई कहानी जूझ का हिंदी अनुवाद किया, तो इसका आंसर रहेगा आपका केशव प्रथम वीर ने, ठीक है, सा करेक्ट आंसर रहेगा केशव प्रथम वीर ने। फिर आपका यहाँ पर छठा आता संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है, तो यहाँ पर संवाददाताओं के बीच काम का जो विभाजन कहलाता है वो बीट कहलाता है, बीट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपके प्रश्न 2 आता है, ठीक है, जिसमें आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान 7 नंबर के, तो आप यहाँ पर रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन करके लिखिए। तो फिर आता है बिना मुरझाए महकने के माने, ठीक है, डोट डोट के जाने, तो यहाँ पर बिना मुरझाए महकने के माने, ठीक है, फूल के जाने, फूल आपका करेक्ट आंसर रहेगा पहले का। फिर आपका दूसरा था हिंदी पद्य साहित्य का तीसरा काल डॉट डॉट है, तो यहाँ पर हिंदी पद्य साहित्य जो तीसरा काल रहेगा वो आपका रीति काल हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता शब्द शक्ति के डॉट डॉट प्रकार है, तो यहाँ पर शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। फिर आपका चौथा आता भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण था, ठीक है, और जो पाँचवा आता वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर याद करते हैं। आपका 6वां आता रिक्त स्थान यशोदा बाबू मूल रूप से कुमाऊं के रहने वाले थे। फिर आपका 7वां आता एक सफल साक्षात्कारता, ठीक है, साक्षात्कारता में डॉट डॉट होना चाहिए, तो इसका आंसर रहेगा आपका पर्याप्त ज्ञान। तो इस तरह से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 3 आता सही जोड़ी बनाकर लिखिए, पहले यह थी बादल राग, तो बादल राग को मैच करना आपको यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर आती है उपमेय की उपमान से श्रेष्ठता, तो इसको आपको यहाँ व्यतिरिक्त अलंकार से मैच कर देना है। और जो आपके यहाँ पर आती है सीरीज के फूल, तो सीरीज के फूल मैच करना है आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी से। और फिर जो आपके यहाँ पर आती है प्रश्न बोधक नेपाल शब्द, तो प्रश्न बोधक नेपाल शब्द को आपको क्या कब से मैच करना है। और जो आपकी आती है जूझ, जूझ को आपको यहाँ पर डॉक्टर आनंद यादव से मैच कर देना है। और जो आपके यहाँ पर दिए विशेष रिपोर्ट का प्रकार, तो इसको आपको बैकग्राउंड ग्राउंडर से मैच करना है, ठीक है, ये आपके यहाँ पर इस तरह से जो आपकी सही जुड़ी वो मैच हो जाती हैं। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 4 आता है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर एक वाक्य में लिखिए, तो आपको इन प्रश्नों को उत्तर एक वाक्य में लिखना है। तो पहला आता बदर राग कविता में विप्लव कबीर किसे कहा गया, तो इसका जो आंसर रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा बदर कविता में विप्लव कबीर बादल को कहा गया, ठीक है, बादल आपका आंसर रहेगा, पहले का आंसर रहेगा बादल। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता जिस काव्य में पूर्ववर संबंध हो उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा उसे प्रबंध काव्य कहते हैं, ठीक है, प्रबंध काव्य आपका यहाँ पर आंसर रहेगा दूसरे का, ठीक है, प्रबंध काव्य, ठीक है, काव्य और आपको लिखने में। तीसरा आता हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद को, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद। फिर चौथा आता पहलवान की डोला पाठ के मुख्य पात्र का नाम लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा लुट्टन सिंह, ठीक है, पहलवान की डोला पाठ के मुख्य पात्र का नाम लुट्टन है, तो लुट्टन आपका रहेगा चौथे का आंसर। और पांचवा आता बेशब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है क्रिया विशेषण, ठीक है, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। और छठा था मोहन जोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है, तो इसका आंसर है 5000 साल पुराना। और सातवां था कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है, तो इसका आंसर रहेगा चौथा स्तंभ,
ठीक है। चौथा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं सत्तासत, तो इनको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला था सूर्योदय होने पर ऊषा जादू टूटता है, तो पहला आपका सत्य रहेगा। और दूसरा आता अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी पंक्ति में वियुक्त श्रृंगार रस है, तो ये आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। तीसरा आता सीरीज के वृक्ष कांटेदार होते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। चौथा आता गुरुत्वाकर्षण निपात शब्द है, तो ये भी आपका असत्य रहने वाला है। और पांचवा आता जूझ कहानी गोदन उपन्यास का अंश नहीं है, तो ये आपका सत्य रहेगा। फिर छठवां आता उल्टा पिरामिड शैली को तीन भागों में बांटा गया है, तो ये भी सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके सत्य असत्य कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न छः आता प्रगतिवाद की कोई दो विशेषताएं लिखिए, और इसका अथवा था नई कविता की दो विशेषताएँ प्रवृत्तियाँ लिखिए, जो इनके आंसर वो हम बताने वाले हैं। पहले आपके यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए, इनके आंसर हम आपको एक साथ बता देंगे वीडियो के लास्ट में। सात माता शीतलबाड़ी में आग होने के क्या क्या आशा है लिखिए, अथवा था तो अथवा भाषा को शैल से बरतने से क्या अभिप्राय है। फिर आपका आठवां था पाठ मुक्त तो गेम मुक्त में आपको कोई दो अंतर लिखना है, अथवा था शब्द गुण किसे कहते हैं इसके प्रकार लिखिए। प्रश्न नौवां था षोडश संधि की परिभाषा लिखिए, अथवा तो भ्रांति में अलंकार की परिभाषा लिखिए। प्रश्न 10 आता रेखाचित्र और संस्मरण में कोई दो अंतर लिखना है, अथवा तो निबंध किसे कहते हैं किसी एक निबंधकार का आपको नाम लिखना है। प्रश्न 11 था भक्ति के आ जाने से महादेव वर्मा आदि देहाति कैसे हो गई, अथवा तो बजाय जादू चढ़ने उतरने पर मनुष्य में क्या क्या प्रभाव पड़ता है। प्रश्न 12 था अर्थ की दृष्टि से बाघ के प्रकार के नाम लिखिए, अथवा तो निपात शब्द किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न 13 था मुहावरे और लोकोक्ति में कोई दो अंतर लिखना है, अथवा था राष्ट्रभाषा और राजभाषा में कोई दो अंतर लिखिए। प्रश्न 14 था जूझ कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कर लिखिए, इसका अर्थ भी अथवा भी देख लीजिए। फिर प्रश्न 15 था पीछे क्या होता है लिखिए, अथवा था कहानी लिखन का उद्देश्य लिखिए। फिर प्रश्न 16 आता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा कुंवर नारायण की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है, आपको दो रचनाएँ पापच कलापच और साहित्य में स्थान, ठीक है, अथवा लगा है तो दोनों में से आपको एक पे करना है। फिर प्रश्न 17 में आता है, तो प्रश्न 17 में का सॉल्यूशन देख लीजिए, सॉरी इसमें महादेव वर्मा आपको हजारी पर द्विवेदी पर साहित्यिक विशेषता लिखना है, आपको दो रचनाएँ भाषा शैली साहित्य में स्थान। और फिर आपका प्रश्न 18 था आपको भावपालन कीजिए पुस्तकें सच्चे मित्र होती हैं, अथवा आता महंगाई की समस्या पर दो महिलाओं के मध्य संवाद लिखिए। फिर प्रश्न 19 आता है जो कि आपका आपटित काव्यांश दिया गया है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और इसके तीन प्रश्न आते हैं, तीनों प्रश्न को तो आपको इसी काव्यांश से मिल जाएंगे, साथ ही इनके आंसर हम आपको बताने वाले हैं। और इसका अथवा आता है तो अथवा देख लीजिए जो कि आपका गद्यांश दिया गया है, तो इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ लेना, इसके तीन प्रश्न दिए हैं, तीनों प्रश्न को तो आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। प्रश्न 20 आता जो कि काव्यांश दिया है, तो इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है आपको। फिर आपका गद्यांश आता है तो इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है, इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर 22 प्रश्न आता है 23, ठीक है। अब चलिए इनके आंसर अब हम आपको बता देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर सही विकल्प का सॉल्यूशन जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन हम आपको यहाँ फिर से बता रहे हैं, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन है, तो फिर से आप यहाँ पर देख लीजिए जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। ये आपका यहाँ पर सही जोड़ी का सॉल्यूशन है, ठीक है, हमने आपको पहले ही बता दिया लेकिन हम आपको फिर से दिखा रहे हैं, तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका एक शब्द वाक्य में उत्तर का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो जल्दी से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपका यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन। और फिर आपका आता है प्रश्न 6 का सॉल्यूशन, और प्रश्न 6 का सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका अथवा का सॉल्यूशन देख लीजिए जिसमें आपको नई कविता की विशेषताएं लिखनी थी अथवा में, तो देखते जाइए। फिर प्रश्न 7 का आंसर देख लीजिए, और प्रश्न 7 का अथवा का उत्तर देख लीजिए, ठीक है। फिर प्रश्न 8 का उत्तर देख लीजिए, पाठ मुक्त और गेम मुक्त में आपको अंतर लिखना था, और 8 का अथवा था शब्द गुण किससे कहते हैं, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर प्रश्न 9 का उत्तर देख लीजिए, आपको लिखना छोटा संध किसे कहते हैं, इसका अथवा था भ्रांति में अलंकार की परिभाषा आपको लिखनी थी। और प्रश्न 10 को उत्तर देख लीजिए, रेखाचित्र और संस्मरण में आपको अंतर लिखना था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका अथवा का उत्तर देख लीजिए, ठीक है। और प्रश्न 11 का उत्तर देख लीजिए, और प्रश्न 11 का अथवा का उत्तर, ठीक है। और प्रश्न 12 का उत्तर, और प्रश्न 12 का अथवा का उत्तर, ठीक है। निपात शब्द किसे कहते हैं वो आपको लिखना, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और प्रश्न 13 का उत्तर देख लीजिए, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, और इसका अथवा था राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। फिर 14 का उत्तर देख लीजिए, और 14 का, ठीक है, आप उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं, और 14 का अथवा का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए।
और 15वें का ठीक है जो 15 प्रश्न उसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 15वें का अथवा का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर इसके अंदर आता है आपका यहाँ पर 16वां प्रश्न आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए सुरगंध त्रिपाठी निराला का काव्यगत परिचय, ठीक है, और इसका अथवा था कुंवर नारायण, तो ये आपका कुंवर नारायण का काव्यगत परिचय है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और प्रश्न 17 में मैं आपको महादेव वर्मा का आपको यहाँ पर लिखना था, तो आप यहाँ पर देख लीजिए महादेव वर्मा पर दिया गया है, इसका अथवा देख लीजिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। और प्रश्न 18 में होता है जिसमें आपको भाव पालन करना था, ठीक है, पुस्तक के सच्ची मित्र होती है, इसका आपको भाव पालन करना था, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और प्रश्न 18वें का उत्तर देख लीजिए यानी 18वें का अथवा का। और प्रश्न 19वें का उत्तर देख लीजिए जिसमें आपका आपने काव्यांश के आपके 3 प्रश्न दिए थे, तो 3 प्रश्न के उत्तर लिखने थे, तो उत्तर आपके यहाँ पर दिए गए हैं। और इसका जो गद्यांश का उत्तर लिखने थे यानी जो आपको 19वें का अथवा उसका उत्तर देख लीजिए। फिर प्रश्न 20वें का उत्तर, प्रश्न 20वें का अथवा का उत्तर देख लीजिए, ठीक है, प्रश्न 21वें का उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं, और प्रश्न 21वें का अथवा का उत्तर देख लीजिए, प्रश्न 22वें का उत्तर, प्रश्न 22वें का अथवा का उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न 23वें का उत्तर देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है पीवीएफ कंप्लीट, संपूर्ण उत्तर सहित हमने पीवीएफ करा दिए। साथ ही इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगी, तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।